खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। घटित थी पिछले सोमवार को एक स्थानीय पेट्रोल पंप से कुछ पैसा ले जाके जमा किया जा रहा था बैंक में, उसको छीनने का प्रयास करने के दौरान गोली चली थी और जो दो लोग ले जा रहे थे वो घायल हुए थे, जिनका इलाज क्रम में अभी वो लोग सेफ है। उनके बयान पर केस हुआ था और इसमें उन्होंने 3 दिन में इस घटना का पटाक्षेप किया है और तीनों अपराधकर्मी जो उस घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। घटना में जो हथियार इस्तेमाल किया गया था उसको भी बरामद किया गया है और जिस हथियार से गोली चली थी। घटनास्थल से बहुत सारे हम लोग खाली होकर मिले थे तो उसका हम लोग एफएसएल से मिलान कराएंगे। जिस मोटरसाइकिल का सवार इन लोगों ने किया था वो मोटरसाइकिल भी पल्सर मोटरसाइकिल हम लोग बरामद कर लिए हैं और इसके अलावा घटनास्थल पर इन लोगों का चप्पल छूटा था, चप्पल भी बरामद किया गया और मैच कराया गया है इन लोगों का वो चप्पल है। इसके अतिरिक्त इन लोगों के पास से वो कपड़े भी बरामद हुए हैं जिन कपड़ों को पहन के इन लोगों ने घटना किया था, जो फुटेज है उसमें हम लोगों को उनके कपड़े का पहचान हुआ था तो बरामद किया गया है। ये केस पूरी तरह से पर्याप्त एविडेंस के साथ डिटेक्ट हुआ है और रिकॉर्ड टाइम में 3 दिन के अंदर डिटेक्ट हुआ है। इसमें इन लोगों के पास से जो बरामदगियाँ हुई हैं और जो बातचीत निकली है इन लोगों से, तो इन लोग पहले भी जेल जा चुके हैं। पिपरा थाना से ये लोग पहले जेल गए थे, नगर थाना से जेल गए थे और अभी ये लोग राज्य केस में जेल भेजे जाएंगे और ये अब जो आर्म्स पकड़ा है इनके पास आर्म्स एक्ट में केस हर्ष दिन हो रहा है, जेल भेजा जाएगा। दूसरा एक मैटर आया है जिसमें कि किस चकिया अनुमंडल क्षेत्र में केसरिया और कल्याणपुर में पिछले दिनों कुछ मोटरसाइकिल लूट की घटनाएँ हुई थी, तो सूचना हम लोग को मिली थी कि कुछ अपराधी तत्व चकिया में भी घटना करने वाले हैं। इसकी सूचना के आलोक में छापेमारी की गई थी तो केसरिया थाना क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पिछले दिनों केसरिया और कल्याणपुर में हुए लूट के सामान बरामद हुए हैं, मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं, इनके पास से हथियार बरामद हुआ और इन लोगों को हम लोग आम सड़क केस में जेल भेज के उन लूट के केसेस में रिमांड करेंगे।